यह वीडियो दवा की साधारण जानकारी हेतु बनाया गया है। किसी भी दवा का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। अपनी मर्जी से किया गया दवा का इस्तेमाल सेहत के लिए घातक हो सकता है। वेलकम फ्रेंड्स, बात करेंगे न्यूरोकाइंड गोल्ड RF कैप्सूल के बारे में। यह कैप्सूल मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। न्यूरोकाइंड गोल्ड RF कैप्सूल एक मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट भी है। इस कैप्सूल में जिनसेंग की प्रेजेंस एक अहम रोल प्ले करती है, जिससे कि यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज अपने अंदर कंपोज करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी कि यह शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को इम्प्रूव करता है और शरीर को बूस्ट करके एक तरोताजगी और एनर्जेटिक एहसास पेशेंट को करवाता है। यह कैप्सूल बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करके एनर्जी प्रदान करता है। जानते हैं इसके कुछ कॉमन यूजेस के बारे में। यह कैप्सूल डॉक्टर की एडवाइस पर 17 साल से लेकर 60 साल की आयु तक प्रेस्क्राइब किया जाता है। यूजेस में यह उन लोगों को भी दिया जाता है जिन्हें शरीर में कमजोरी के चलते थकान रहती हो और बार बार बीमारियों के चलते बॉडी में वीकनेस या इम्यूनिटी लेवल डिक्रीज हो गया हो। साथ ही यह हड्डियों में कमजोरी के चलते जोड़ों में दर्द और सूजन में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। यह ऐसे लोगों को भी दिया जाता है जिनकी स्किन का ढीलापन, यानी कि यह एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी अपने अंदर कैरी करता है। इसकी प्रॉपर्टीज के चलते यह बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है, जिसमें कि यह ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर्स द्वारा एडवाइस या प्रेस्क्राइब किया जाता है जिनका खान पान सही ना होने के कारण या फिर भोज्य पदार्थों को संतुलित रूप से ना लेने पर शरीर में कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की कमी होने से बॉडी में थकान या लो इम्यूनिटी लेवल रहता हो। डॉक्टर्स द्वारा यह उन पेशेंट को भी एडवाइस किया जाता है जिन्हें भूख ना लगती हो, भोजन प्रॉपर रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पाता हो या इनडाइजेशन जैसी समस्या रहती हो। साथ ही यह बॉडी में खून की कमी या एनीमिया के चलते और उसी के कारण थकान और सुस्ती पेशेंट को रहती हो, ऐसे लोगों को भी यह डॉक्टर्स द्वारा एडवाइस किया जाता है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन के चलते तथा साथ ही साथ यह मेमोरी पावर को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। इसकी कंपोजिशन में जिनसेंग की प्रेजेंस के चलते यह एंटीऑक्सीडेंट और नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन रखता है। यह बॉडी में सेल डैमेज की रिकवरी को इम्प्रूव करता है तथा इसे प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। यदि बात करें इसकी कंपोजिशन में विटामिन B3 की, तो यह खाद्य पदार्थों या भोजन में ग्रहण किए गए फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का भी कार्य करता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन B2, जो कि रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल का यह निर्माण करता है और यह बॉडी नर्वस सिस्टम के कार्य को सुचारू रूप से कार्य करने में भी योगदान देता है। इसकी कंपोजिशन में मौजूद विटामिन D3 के चलते यह बोन्स व स्केलेटल स्ट्रक्चर तथा दांतों को यह मजबूती प्रदान करता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन B9 यानी के फॉलिक एसिड के चलते यह प्रेग्नेंट वोमेन यानी के गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपयोगी है, जिससे कि यह उन्हें शरीर के पोषण की कमी को पूरा करता है। इसके अंदर मौजूद कॉपर, जिंक, आयरन की मौजूदगी हीमोग्लोबिन को भी मेंटेन रखता है तथा हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने देता और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि बात करें इसमें मौजूद विटामिन B3 यानी के नियोसिनामाइड की, तो यह पेलेग्रा जैसी बीमारी में भी उपयोगी है। इसके साथ ही यह कील, मुहांसे तथा ऑस्टियोआर्थराइटिस व एंटी एजिंग में भी अपना कार्य करता है। इसमें मौजूद विटामिन B6 व विटामिन B12 यानी के मिथाइल कोबालामीन है, जो कि इसके कार्य करने की शैली को सुचारू रूप से रखता है। इसमें मौजूद विटामिन D3 यानी के कैल्सीफिरोल भी है, जो ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल मेंटेन करता है, जो कि बोन्स यानी के हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस फ्यूमरेट व कॉपर तथा आयरन
के साथ साथ पोटाशियम व जिनसेंग हमें देखने को मिलता है। यह सभी मिलकर के इम्यूनिटी की मात्रा को बढ़ाते हैं तथा बॉडी को बूस्ट करके शरीर को एनर्जी का एहसास प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ यह बोन्स व नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मददगार होते हैं। साथ ही इसमें मौजूद आयोडीन, मैग्नीशियम व जिंक सल्फेट के साथ साथ फॉस्फोरस भी है, जो कि बोन्स को मजबूती प्रदान करता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस मेडिसिन यानी के न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट में, जो कि कई बार किसी किसी पेशेंट में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलें तो अपने डॉक्टर से इस संदर्भ में ज़रूर बात करें व मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद करें। बात करें कॉमन साइड इफ़ेक्ट की, तो हमें इसमें नौजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेक के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज और डिजीनेस जैसी दिक्कत देखने को कई बार मिल सकती है। यदि इस दवा का उपयोग करने के बाद कुछ इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलें तो दवा का इस्तेमाल करना बंद करें और इस संदर्भ में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, बात करते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड कैप्सूल के चलते कुछ प्रिकॉशन यानी कि सावधानियों के बारे में। जब इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों तो पेशेंट को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यानी कि जब हम इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि यदि कोई मरीज क्रोनिकल डिजीज़ यानी कि किडनी, लीवर जैसी परेशानियों से पहले जूझ रहा हो तो अपने डॉक्टर को इस संदर्भ में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही यदि आप अन्य प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हों तो इस संदर्भ में भी डॉक्टर को पहले बताना अति आवश्यक है। प्रिकॉशंस में यदि हम बात करें तो इस मेडिसिन के चलते अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें तथा हो सके तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भरपूर रूप से इस्तेमाल करें, जिससे कि इस दवा का असर एक अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल सके। यदि हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन यानी कि गर्भवती महिलाओं और लैक्टेटिंग मदर की, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पूर्व अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, बात करते हैं न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल के चलते इंटरैक्शन के बारे में, यानी कि उन दवाइयों के संदर्भ में जो कि अनवांटेड रिएक्शन इस दवा के साथ हमें देखने को दे सकती हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान हो सके तो ओमेप्राजोल, मेटफॉर्मिन, कोल्चिसिन व मिग्लिटोल तथा क्लोरमफेनिकोल कैप्सूल व एटोरवास्टाटिन टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। या इस तरह की दवाइयों का आप उपयोग कर रहे हों तो अपने डॉक्टर को इस संदर्भ में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना न्यूरोकाइंड गोल्ड आरएफ कैप्सूल के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।